हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी आलू मटर गाजर की सब्जी, जो बहुत इजी ट्रिक के साथ बताऊंगी आपको और मिनटों में बना लेंगे और गाजर मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, उसे अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। अब डालेंगे इसमें जीरा और साथ में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, तेल ऑलमोस्ट इतना गर्म है कि ये अच्छे से मिनटों में कुक हो जाएगा। और प्याज जो है वो मैंने लंबी काटी है और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और पिंक होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारे पिंक हो चुके हैं, इसमें मैंने टमाटर प्यूरी डाली है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है और मिनटों में हर कोई बना सकता है, बहुत इजी है और सब्जी का टेस्ट आप बनाकर ही आपको पता चल जाएगा कि इतनी अच्छी बनती है। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मिनटों में रेडी हो जाता है हर चीज़। कोई मैं ज़्यादा तामझाम तो बताऊंगी नहीं कि आप इसमें ये करो। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में, हर एक के घर में होते हैं। अब इसमें मैंने आलू मटर गाजर डाली है और साथ में थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर इसमें डाला है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मसाले मैंने इसमें कोई मसाला अभी ऐड नहीं किया, जस्ट हम इसे इस तरह ऑयल में ही फ्राई करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। और इसका जो कलर है ना, मैंने आपको बताया है कि कलर चेंज नहीं होगा मटर गाजर का, तो ये वैसे ही रहेगा। हमारी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है 5 मिनट में। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ऑयल में इस तरह से भूनने से कलर वैसे ही रहता है मटर का भी, हरी हरी मटर वैसे ही रहेगी। अब हमें इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें नॉर्मल धनिया मसाला, जो गरम मसाला होता है ना हमारे घर में, वो ही मैं इसमें डाले हैं और कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करूँगी। अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ड्राई ड्राई बनी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। इसकी फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। बीच में चेक करते रहिए। अब देखिए थोड़ा सा पानी इसने छोड़ दिया है सब्जी में। अब हम इसे ओपन करकर फुल पे सुखा लेंगे। और इसमें कस्तूरी मेथी और काली मिर्च, आप चाहे तो थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल सकते हो और इसे सर्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बन चुकी है। कलर देखिए सब्जी का, ऐसे लगते हैं जैसे काफ़ी मसाले इसमें ऐड किए गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपके लिए मैं ऐसी इजी रेसिपी लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेल्थी खाइए, हेल्थी रहिए।